Mommy, so yummy. I love you. Good job. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट सनिया और आप देख रहे हैं लज्जत कुकिंग। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक इंतहाई मज़े की रेसिपी जो कि है राज कचौरी। ये हर किसी की फेवरेट है, आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आपको और आपके घर वालों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेसिपी अच्छी लगी इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ और देखते हैं कि ये किस तरह से तैयार होगा। तो डो बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उस पर मैंने यहाँ पर आधा कप सूजी ली है और आधा कप मैदा लिया है। आप अगर इसे ज़्यादा बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, लेकिन जो क्वांटिटी आप सूजी की लेंगे वही क्वांटिटी आप मैदे की भी लेंगे। और स्पाइसेस भी मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 टीस्पून, ये सॉल्ट है और ये बिल्कुल अब पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर है और अब पिंच ऑफ बेकिंग सोडा है। ये बिल्कुल आपको एक एक पिंच चाहिए होगा, हमें इसमें ज़्यादा इस क्वांटिटी के लिए यूज़ नहीं करना। उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास पानी है, इस पानी को मैं इस डो को गूंदने के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो जस्ट ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ एक बाउल लेती हूँ और उसके अंदर ये मैं सारी चीज़ें मिक्स कर दूँगी। अब आप थोड़ा थोड़ा पानी लें और उससे आपने इस आटे को गूंद लेना। इस आटे की डो जो होगी वो हार्ड होगी, इसको आपने सॉफ्ट नहीं रखना। आटे को 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से गूंदने के बाद अब मैं इसको कवर करके 15 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। 15 मिनट तक मैंने इस आटे को रेस्ट दिया और अब मैं इसको बेल लूंगी। अब मैं इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लूंगी। अब मैं एक पेड़ा लूंगी और उसको बेल लूंगी। आपने इसको बहुत बड़ा भी नहीं बेलना और बहुत छोटा भी नहीं बेलना, इस का साइज़ जो है वो थोड़ा दरमियाना होना चाहिए। इस तरह से मैं सारी जो है पेड़े उनको बेल के एक साइड पे रख लेती हूँ। अगर आपसे एग्जैक्टली ये गोल ना बेला जाए तो फिर आप यूँ कोई भी कटोरी, ग्लास, कोई भी चीज़ आप लें, गोल सा बर्तन, इसको इसके ऊपर रखें और इसकी साइड्स को यूँ काट लें। आप इस तरह से इसको काट सकते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर ऑयल डाला है और इस ऑयल का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई होना चाहिए, ठीक है, तभी आपकी जो कचौरियाँ वो बहुत अच्छे से फूलेंगी। तो आपने करना क्या है कि जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो आप कचौरी इसके अंदर ऐड कर दें और इसके साथ इसको फ़ौरन से प्रेस करें। यहाँ पर जो की पॉइंट है वो यही है कि जैसे ही आप इसके अंदर कचौरी डालेंगे तो आपने उसको फ़ौरन से प्रेस करना है, तभी वो अच्छे से फूलेगी, अदरवाइज़ वो अच्छे से नहीं फूलेगी। अब मैं इसको दोनों तरफ से हल्का सा गोल्डन सा कलर दूंगी। अब मैं इसको निकाल लूँगी। इसी तरह से मैं बाकी सारी कचौरियाँ भी फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारी जो सारी कचौरियाँ हैं इसी तरह से रेडी हो गई हैं। अब मैं एक कचौरी लूँगी और इसको मैं यहाँ पर, आप चाहे तो स्पून के साथ इसको प्रिक कर लें, चाहे तो हाथ के साथ। तो यहाँ पर मैंने चने लिए हैं, आलू लिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाला है और चाट मसाला ऐड किया है और मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद आप ये मिक्सचर आलू और चनों का इस कचौरी के अंदर शामिल कर दें। नेक्स्ट मैं इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज शामिल कर दूंगी, टमाटर, हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया और पुदीना। नेक्स्ट मैंने दही लिया है और उसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया और वो दही मैं इसके ऊपर यूँ शामिल कर दूंगी। इसके ऊपर आप शामिल कर दें इमली की चटनी, हरी चटनी, अगेन मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आलू और चनों का मिक्सचर ऐड करूंगी। थोड़े से प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया और पुदीना। इसके बाद दही, इसके ऊपर आप थोड़ा सा चाट मसाला शामिल कर दें। नेक्स्ट आपके पास नींबू या सेवइयाँ जो भी हो वो आप इसके ऊपर
स्प्रिंकल कर दें। यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी राज कचौरी रेडी है। एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम हम एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। Mommy, so yummy.